नहीं सकते, इसमें शरीर बहुत दर्द करता है सोने में। तो हमारा आज पूरा रूम का करेंगे, अलग अलग कर लिए हैं और अभी इसको साफ। हम तुम्हारे ओ मेरे भगवान। फ्रेंड्स, राधे राधे, कैसे आप लोग, आशा करते हैं स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे एक और नए ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग देखिए कहाँ से शुरू हो रहा है। आप लोग देख रहे हो बिल्कुल गांव का नज़ारा, बिल्कुल गांव जैसा लग रहा होगा। तो आज अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और अभी हम घूमने आए हैं, क्योंकि आज नींद थोड़ा जल्दी खुल गया था तो सोचे घूम लिया जाए और सुबह का नज़ारा देखा जाए कैसा है होता है, क्योंकि काफ़ी टाइम से लेट से सोते हैं तो लेट से सुबह नींद खुलती है। आज बहुत पहले खुल गया है और अभी लगभग 6 बज रहा होगा और हम आ चुके हैं अपने रूम से काफ़ी दूर। और इधर इधर के लिए बिल्कुल अपने गांव जैसा है, जैसे हमारे गांव घर में होता है वैसे है बिल्कुल नज़ारा। और आज थोड़ा सोचे सुबह का हवा लिया जाए, और सुबह का हवा लेना वैसे तो सही होता है लेकिन हमें नींद नहीं खुलती कि हम सुबह का हवा ले सके। और देखिए सूरज भी निकल चुके हैं और बहुत पहले, मतलब 6 भी नहीं बजते हैं, 5:30 बजे ही पूरा थोड़ा थोड़ा धूप आने लगता है, मतलब सूरज निकल जाते हैं। ये देखिए सूरज भगवान निकल चुके हैं और ये बहुत रेयर होता है हमारे साथ, क्योंकि हम इतना जल्दी उठते नहीं हैं तो हम सूरज भगवान को, उगते सूरज भगवान को देख नहीं पाते हैं। और ये रहा सुबह का कुछ नज़ारा और हम आए हैं घूमने इधर, तो इधर का कुछ इस तरह का नज़ारा होता है। संडे और आज हम आपको दिखाएंगे अपने सुबह से लेके शाम तक, यानी सोने से पहले तक क्या क्या हमारा डेली का रूटीन है, आज क्या क्या काम होने वाला है, वो सारा कुछ आपको दिखाएंगे। तो आप हमारे ब्लॉग में बने रहिए और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर लीजिएगा। तो आज हम आपको दिखाएँगे सारा कुछ अपना डेली लाइफ ब्लॉग, कि हम संडे को क्या करते हैं, क्या क्या काम होता है हमारा। वैसे तो थोड़ा जल्दी उठ गया तो हमारा ब्लॉग आज थोड़ा जल्दी स्टार्ट हो रहा है, और आप लोग को सारा कुछ दिखाएंगे तो आप ब्लॉग में बने रहें। आपको शायद पीछे दिख रहा होगा ये गौशाला है, यहीं पे वो जो श्रीमद् भागवत गीता हुआ था वो यहीं पे हुआ था। और अभी इधर ही घूमने आए हैं, तो घूमने में सुबह सुबह का जो नज़ारा है, सुबह सुबह का जो हवा है वो बहुत ही अच्छा लग रहा है, और ये हम काफ़ी टाइम बाद फील कर रहे हैं तो और भी मज़ा आ रहा है। टाइम हो चुका है 6:30 बज गए हैं, आधा घंटा लगभग घूम चुके हैं, अब चलते हैं रूम की तरफ। घूमते घूमते थोड़ा थक चुके हैं तो थोड़ा बैठ लेते हैं, और अब बस थोड़ा रूम पे पहुंचने वाले हैं, 5-10 मिनट में रूम पे पहुंच जाएंगे क्योंकि। तो दोस्तों फाइनली घर पहुंच चुके हैं और स्टार्ट कर दिए हैं आज का साफ़ सफाई का काम। और ये देखिए कैसे कचरा फैला हुआ है, इसको अंदर से साफ कर रहे थे। और इधर रूम में भी, इधर सारा रूम में भी देख लीजिए कैसे सारा ऐसे ही है, फोल्डिंग वगैरह इसको मोड़ करके रख देंगे, किसी इस पर कोई काम नहीं आता है क्योंकि ये, मतलब इसमें आप सो नहीं सकते, इसमें शरीर बहुत दर्द करता है सोने में। तो हमारा आज पूरा रूम का करेंगे सफाई, तो रूम का आज सफाई होगा। और आप बने रहिए ब्लॉग में, आपको दिखाएंगे अपना रूम का पूरा, जो भी बस छोटा सा रूम है लेकिन इसका आज पूरा अच्छे से सफाई होगा। और इसको रख देते हैं सेपरेट रूम, चौकी के नीचे रख देंगे क्योंकि इसी को कोई काम तो है नहीं, तो सोच रहे इसको सेपरेट करके रख दें, कोई लेगा तो इसको बेच देंगे। अकेले हो जाएगा अंदर आपसे? हो गया दोस्तों, फोल्डिंग पे रख दिए अंदर, अब सामान को भी सामान हम सरिया देते हैं। तो यहाँ पे झाड़ू लगा रही है और रूम हम लोग का थोड़ा थोड़ा साफ लगने लगा है, ये कितना कचरा निकल रहा है रूम से। तो दोस्तों अभी तो इधर बैग अपना इधर रख दिए हैं, फेवरेट रहेगा, यहाँ पे लगाएंगे, नीचे ही लगाएंगे बिस्तर, क्योंकि फोल्डिंग से अच्छा नीचे ही सोने में अच्छा लगेगा। और यहाँ पे अपना बेड वगैरह रखा हुआ है इधर का, तो अभी इसको करते हैं, इधर से सारा हटाते हैं और फिर यहाँ पे लगाते हैं, बिछाते हैं चटाई और फिर उसके ऊपर लगाएंगे बिस्तर। फाइनली हमारा रूम हो गया, रूम को सजा लिए हैं, ये देखिए यहाँ पे लग चुका है
इस रूम का बेड, यहाँ पे चेयर वगैरह सारा, टेबल पे सारा कुछ साफ कर लिए हैं। इस रूम का बेड यहाँ पे है, और आपको यहाँ का दिखाते हैं जो हॉल वाला हमारा बेड है, तो वो देखिए, वो ये भी रेडी हो चुका है और लगभग लगभग सारा हो ही चुका है। ये दोनों बच गए रखने के लिए, और अभी एक और काम बच गया है दोस्तों, वो है कि ये पंखा हमको साफ करना है, क्योंकि देखिए पंखा कितना गंदा हो चुका है, तो पंखा को पहले करेंगे साफ। तो बाकी लगभग आज से काम हो चुका है ख़त्म, बस पंखा साफ करेंगे, उसके बाद थोड़ा बाल बाल कटाना है, बाल कटवा लेंगे, उसके बाद फिर नहा धोवा के रेडी। तो अपना पंखा सारा खुल चुका है, देखिए कैसे अलग अलग हो गया है सारा पंखा, देखिए कैसे गंदगी इसमें लगा हुआ है, तो इसी को करेंगे अभी साफ। अच्छा, जल्दी जल्दी कीजिए, फिर पानी खत्म हो जाएगा तो फिर दिक्कत होगा। दोस्तों अभी अपना पंखा वगैरह सारा साफ करके, पर ये देखिए छत पे डाल दिए हैं, थोड़ा सूख जाएगा, उसके बाद फिर कसेंगे पंखा को। तो अभी पंखा तो अपना साफ हो चुका है, पंखा यहाँ पे सारा जो भी है रख दिए हैं साफ करके। अब चलते हैं थोड़ा बाल दाढ़ी बनवा लेते हैं, बाल बनवा लेते हैं, दाढ़ी सेट करवा लेते हैं, उसके बाद फिर नहाएंगे धोएंगे। आज कुछ ज़्यादा ही काम हो गया, सोचे आज रूम साफ कर देते हैं, काफ़ी टाइम से टाइम नहीं मिल रहा था, और उसको भी सोचे कि दोनों मिलते हैं तब साफ करेंगे, अकेले ज़्यादा हो जाता है काम। तो अभी छत पर घूम रहे हैं अपना अपना, सब लोग अपना कपड़ा धो के डाल चुके हैं, क्योंकि संडे है तो सब अपना अपना आज काम करने के लिए सोचते हैं। तो बस अभी चलते हैं, बाल दाढ़ी बनवाएंगे, उसके ब्रेड्स अभी देखिए बाल वाल सारा कटा लिए हैं, और अभी पहुंचे हैं, अपना बाइक थोड़ा साफ करवा लेते हैं, क्योंकि गंदा बहुत ज़्यादा हो चुका था, तो सोचे बाइक काफ़ी दिन हो गया था इसको धोए हुए, तो अभी वॉश करवा लेते हैं अपना बाइक को, और उसके बाद फिर चलते हैं रूम पे, फिर उसके बाद नहाया धोया जाएगा। भिंडी, भिंडी ठीक है, भिंडी दोस्तों यहाँ पे भिंडी लिया जा रहा है। तो फाइनली आ गए हैं मार्केट से, और अपना सब्जी वगैरह सारा ले आए हैं। ग्लूकोन डी, गर्मी आ रही है, सोचे ये ले या लेना अच्छा है, क्योंकि गर्मी में थोड़ा सा डिहाइड्रेशन होता है, थोड़ा ग्लूकोन हो चुका है, तो यहाँ पूजा किया जा रहा है। तो दोस्तों अभी हम बनाने जा रहे हैं झालमुरी, मतलब हमारे पास ये देखिए, ये हो गया प्याज,
और मिर्ची काट रहे हैं, ये हमारा थोड़ा सा ठंडा है स्ट्रिंग। और हम लोग लेके आए हैं मुरही, तो अभी थोड़ा सा तीखा खाने का मन हुआ तो अभी बनाएंगे हम लोग झाल मुरही बनाएंगे। आज संडे है, संडे का आप रूटीन देख रहे हैं कि हम सुबह से लेके रात तक सोने से पहले तक क्या क्या करते हैं। तो आप अभी तक ब्लॉग में बने हैं उसके लिए थैंक यू, पर अभी और आगे देखिए। तो बन के हो गया रेडी हमारा झाल मुरही। दोस्तों देखिए अभी हम लोग जो सब्जी लाए थे वो सब्जी को अपनी जगह धरा रही है, जो सब्जी रखने वाला है डलिया उसमें सब सब्जी का अपना जगह बना रही है। क्या कर रही है? सब्जी से तैयार है, सब्जी से सारा सब्जी से तैयार दी है। नीचे टमाटर अभी आधा सब्जी बाकी है, अभी आधा सही है आधा बाकी है। ये देखिए दोस्तों हम लोग आम लेके आए आज, और ये आम गुलगुल है, आम गुलगुल है, पक गया हो सकता है, थोड़ा बहुत नहीं जाता है। तो हम लोग आम लेके आए थे और मार्केट से आम ज्यादा कैसे मिला, 30 रुपए के जी था, तो हम लोग ज्यादा नहीं लेके आए कि खट्टा रहेगा कि मीठा रहेगा, तो आधा के जी लाए थे। और आज हम लोग एक सबसे एक नया चीज लेके आए हैं वो आपको दिखाना चाहते हैं, और ये है, ये मजाक कर रहा है, ये चम्मच नया चीज नहीं है, नया चीज हमारा रहा ये। हम लोग लिए हैं कुकर, और कुकर इसलिए लिए जो हमारा पुराना कुकर था वो खराब हो चुका था, उसका सीटी काम नहीं करता था, अच्छा से प्रेशर नहीं बनाता था, तो हम लोग वो कुकर को हटा के सोचे नया कुकर लेते हैं। वो थोड़ा बड़ा था, हम लोग छोटा ही लिए क्योंकि ये कुकर थोड़ा महंगा आ रहा था, तो हम लोग सोचे हम लोग का दो ही तीन का खाना बनाना है, तो हम लोग सोचे 3 लीटर वाला ही लेते हैं, वो 5 लीटर का था, तो उसको हटा दिए। और ये कुकर इसे लिए कि हम लोग थोड़ा बहुत दाल वाल बनाना होता है, तो इसलिए हम लोग कुकर ले लिए हैं, और आपको दिखाते हैं कुकर कैसा लिए। ये देखिए टन टन, ये रहा हमारा कुकर, और हम लोग ये कुकर लिए हैं, और वो बड़ा था, ये थोड़ा, ये हम लोग हमको अच्छा लगा, और भी कुकर दिखा रहा था, तो ये लेकिन ये वाला जो कुकर है वो हमें पर्सनली अच्छा लगा, तो हम सोचे कि इसे ही लिया जाए, क्योंकि हम लोग वाइट ही ज़्यादा कुकर यूज करते हैं, जो वाइट कलर का आता है स्टील का आता है, तो हमने सोचा ये कुछ नया लिया जाए, तो हमने ये कुकर लिया है आज। तो दोस्तों आप लोग देख रहे थे हमारा आज का रूटीन, मतलब जो संडे का हमारा सुबह से लेके रात तक का क्या रूटीन होता है आप वो देख रहे थे। तो उम्मीद करते कि आप लोग को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा, और एक शेयर ज़रूर कर लीजिएगा, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट किसी और ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।